भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को गुंडा राज में तब्दील करने के लिए जैसे तैसे काम करवा रहे हैं। निश्चित रूप में दलित के और अपमान करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कल जीताराम मांझी को लेकर सदन के अंदर बोल रहे थे, उस पर सियासत अब तेज हो रहा है। देखिए, तमाम लोग सदन में पहुंचते हैं, सत्ता दल के लोग भी और विपक्ष के लोग भी प्रदर्शन करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी बीच बिहार विधानमंडल पहुंचते हैं और देखिए उनका काफिला है, वो विधानसभा के गेट पर नहीं रुका बल्कि वो विधान परिषद के गेट से अंदर एंट्री लिए। देखिए, हम आपको पूरी जो बाकियां हैं वो विस्तार से समझा रहे हैं। देखिए, जब सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब माननीय पहुंचते हैं तो सत्ताधारी दल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा के गेट पर बैठे हैं और उसके जस्ट पीछे जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हैं। और इसी बीच जो नीतीश कुमार हैं, सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सदन पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो माहौल है वो बदल जाता है, क्योंकि अमूमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो विधानसभा के गेट से प्रवेश करते हैं। पर आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज तमाम जो लोग हैं वो गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी का काफिला परिषद की ओर बढ़ता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिषद से एंट्री लेते हैं। पर विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष खूब गुस्से में है, क्या कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। महिला और दलित का अपमान, मुख्यमंत्री सत्ता संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये गुंडा राज नहीं चलेगा, ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को गुंडा राज में तब्दील करने के लिए जैसे तैसे काम करवा रहे हैं और जो अपमान किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री का, उनको माफी मांगना चाहिए। मांझी जी, क्या दलित होने की वजह से आपको अपमान होना पड़ा? निश्चित रूप में दलित के और अपमान करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री को माफी मांगना होगा। मुख्यमंत्री को माफी मांगना ही नहीं, इस्तीफा देना चाहिए पद से, उस पद के योग्य नहीं है। तो अभी आपने बिहार के जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा, उनको सुन रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से परिषद के गेट से अंदर गए हैं। देखिए, विधानसभा के नहीं बल्कि विधान परिषद के गेट से एंट्री लिए हैं। पर विपक्ष के लोग हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपने देखा है तस्वीर में, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिषद से जो सभा है उसमें जाते हैं और फिर तो भी जो तमाम लोग हैं वो प्रदर्शन जारी रखते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम। धन्यवाद।